थ्री इडियट्स का आइकॉनिक पॉइंट। अभी सुबह का 6 o'clock हुआ है और हम पैंगोंग लेक पे हैं और ये यहाँ का व्यू है। हेलो एवरीवन, अभी हम पैंगोंग लेक के कैंपिंग एरिया में हैं और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। बेसिकली आज हम जाएंगे त्सो मोरी लेक। भैया त्सो मोरी लेक कितना किलोमीटर है यहाँ से? 6 घंटे। तो आज हम त्सो मोरी जाएंगे विच इज़ अराउंड 150 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड इट्स गोना टेक एटलीस्ट 6 hours। से गुजर रहे हैं और यहाँ पर मुझे जो बताया गया यहाँ पर 1963 में वॉर यहाँ पर हुआ था, तो इसका एक वॉर मेमोरियल भी है अगर मैं आपको दिखा पाऊँ बैक साइड में। तो इस वॉर मेमोरियल्स में उन सभी मार्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। Thank you.
It was a rough journey. The whole road was pathetic from Pangong to Tso Mori. So it took 9 hours to reach here from Pangong. We got late because of that, but finally we are here. Right now we do not have a perfect lighting, but tomorrow morning we definitely amazing here. This is so beautiful. If I distinguish between both the lakes, it's more beautiful. Not so much crowd here as compared to Pangong. Right now it is 6 o'clock. And sun is about to come. That's Tso Mori. And this lake is such a high altitude, more than 4,000 meters. We are going towards the lake. And honestly, it is very cold. Very, very cold. Here. Won't you send me now? Your arms around me now. Guys, this whole landscape is full of minerals and full of sulfur and full of hot springs. So I don't know whether you can see or not, but I can see few hot springs that are coming out. This whole land is full of minerals. And thank you.
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है वो हमारे ड्राइवर साहब रहे हैं, जिन्होंने पूरे रोड ट्रिप में एक अच्छा और बेस्ट पार्ट प्ले किया है, और जिसको हम कह सकते हैं आई थिंक आई हैव सीन द बेस्ट ड्राइवर सो फार इन एंटायर हिमालयन रीजन। तो अगर आप लद्दाख आ रहे हैं तो आप इनके पास ज़रूर आ सकते हैं। इनका नाम मिस्टर रिंचेन है और मैं आपका इनका नंबर आपके पास शेयर कर दूँगा, तो आप इनसे ज़रूर मिल सकते हैं। बाय।